सो हाय गाइज, आज हमारे पास है यहाँ पे दो ही स्मार्टफोन। एक तो है रियलमी 3 प्रो और दूसरा है सैमसंग A50। इन दोनों फ़ोन का मैं कंपैरिजन करने वाला हूँ और आपको एक आइडिया देने वाला हूँ कि दोनों में से बेस्ट स्मार्टफोन कौन सा है, कौन सा आपको खरीदना चाहिए, किस फ़ोन में क्या क्या कमियाँ हैं और क्या क्या खूबियाँ हैं, दोनों चीज़ आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात करें दोनों की प्राइस की, तो तकरीबन दोनों की प्राइस में 4,000 रुपये डिफरेंस है। रियलमी 3 प्रो आपको 14,000 रुपये कीमत में देखने को मिलेगा, जबकि सैमसंग A50 आपको तकरीबन 18,500 रुपये कीमत में देखने को मिलेगा। दोनों की डिस्प्ले साइज़ की बात करो तो यहाँ पर 6.4 इंच की A50 में डिस्प्ले दी हुई है, जो कि सुपर एमोलेड डिस्प्ले है और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 के साथ में आती है। डू नॉट मतलब आप डाउट नहीं कर सकते, पर सैमसंग की डिस्प्ले ज़्यादा अच्छी है। सैमसंग की जो डिस्प्ले है सुपर एमोलेड डिस्प्ले है और काफ़ी शार्प एंड काफ़ी वाइब्रेंट डिस्प्ले है। अगर रियल मी 3 प्रो की डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पर 6.3 इंच की डिस्प्ले देखने को मिलती है, जो कि फुल HD प्लस है और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 के प्रोटेक्शन के साथ में आती है रियल मी 3 प्रो की डिस्प्ले, जबकि यहाँ पर सैमसंग A50 की डिस्प्ले आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 के साथ में देखने को मिलती है। तो यहाँ पर एक एडवांटेज रियल मी 3 प्रो के साथ में आता है। दोनों फ़ोन आपको प्लास्टिक बिल्ड में देखने को मिलते हैं, दोनों में अलग अलग डिज़ाइन दी गई है। यहाँ पर एक थोड़ी अलग सी डिज़ाइन है और यहाँ पर करीबन 4-5 कलर आपको दिखाई देंगे, तो ये काफ़ी अच्छी डिज़ाइन है इसमें Realme 3 Pro की अपेक्षा Samsung A50 में। और दोनों तकरीबन सेम साइज में आते हैं, एक में यू नोच है और एक में थोड़ी सी वी शेप की नोच है, तो दोनों में तकरीबन 25 MP का फ्रंट कैमरा दिया हुआ है और दोनों में से सेल्फीज़ वगैरह काफ़ी अच्छी आती है। और मैंने इनकी कैमरा टेस्टिंग का वीडियोज़ भी बनाया हुआ, तो काफ़ी अच्छी फ़ोटोज़ आपको दोनों में देखने को मिलती है। अगर आप फ़ोटोज़ लेते हो तो दोनों में आपको काफ़ी अच्छी और काफ़ी डिटेलिंग देखने को मिलती है, मतलब दोनों अगर आप फोटोज़ देखते हो तो दोनों में आपको काफ़ी डिटेल देखने को मिलती है। कैमरा वाइज दोनों स्मार्टफोन अच्छे हैं, बट अगर बात करूँ तो सैमसंग में 3 कैमरा आप पीछे दिए हुए हैं और रियल मी 3 प्रो में आपको 2 ही कैमरा पीछे दिए हुए हैं। 16+5 MP का डुअल कैमरा दिया हुआ है यहाँ पे, जबकि यहाँ पे 25+8+5 के 3 कैमरा दिया हुआ है। यहाँ पे वाइड एंगल का मोड भी दिया हुआ है, वो काफ़ी कमाल का मोड है। आप वाइड एंगल में A50 से वीडियोस वगैरह रिकॉर्ड कर सकते हो, फोटोज वगैरह ले सकते हो। दोनों फ़ोन में आपको EIS की फैसिलिटीज़ देखने को मिलती है, दोनों फ़ोन में आप गूगल कैमरा इंस्टॉल कर सकते हो। इवन यहाँ पर अगर मैं कैमरे की बात करूँ तो यहाँ पर शायद आप सैमसंग A50 में 4K वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो, यहाँ पर आप देख सकते हो रियर वीडियो 4K वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो, यहाँ पे फुल HD ही वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। जबकि सैमसंग की जगह आप रियलमी 3 प्रो की बात करोगे तो रियलमी 3 प्रो में आप 4K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। ज़्यादा स्टेबलाइज वीडियो की बात करोगे तो आपको रियलमी 3 प्रो में ज़्यादा स्टेबलाइज वीडियो देखने को मिलेंगी। अगर प्रोसेसर की बात करें, स्नैपड्रैगन 710 प्रोसेसर देखने को मिलता है और इसमें जो सैमसंग का एक्जिनोस 9610 प्रोसेसर देखने को मिलता है। दोनों ही परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है और काफ़ी हद तक, पर मुझे रियलमी 3 प्रो की परफॉर्मेंस सैमसंग A50 से ज़्यादा अच्छी लगी, क्योंकि थोड़ा फास्ट रेस्पॉन्स करता है और काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क करता है, क्योंकि इसमें सैमसंग की UI 1 UI दी हुई है तो थोड़ी सी लैग करती है। दोनों में एंड्रॉयड 9.0 देखने को मिलता है। यहाँ पर सॉफ्टवेयर वाइज दिखा दूँ मैं आपको, एक में कलर वॉच दिया हुआ है और दूसरे में आपको जो देखने को मिलता है वो सैमसंग का 1 UI देखने को मिलता है, जो कि अभी तक इतना स्टेबल नहीं है इन स्मार्टफोन के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों में एंड्रॉयड 9.0 दिया हुआ है, जो कि रेस्पेक्टिवली अपनी अपनी UI पे बेस्ड है। और सॉफ्टवेयर वाइज भी दोनों फ़ोन अच्छे हैं, पर ज़्यादा कस्टमाइजेशन की बात करोगे तो आपको सैमसंग में ज़्यादा कस्टमाइजेशन देखने को मिलते हैं। बात करें अगर इसके सॉफ्टवेयर की, तो सॉफ्टवेयर वाइज फ़ोन काफ़ी अच्छा, आपको काफ़ी जल्दी अपडेट्स भी देखने को मिलेगी। और ओवरऑल दोनों फ़ोन लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम पे चल रहे हैं। बैटरीज की बात करें तो 4000 mAh की बैटरी दोनों में देखने को मिलती है, बट यहाँ पे प्लस पॉइंट में रियलमी 3 प्रो को देना चाहूँगा कि इसमें 20 वोल्ट का चार्जर देखने को मिलता है, जो कि आपको तकरीबन 1.5 घंटे में फ़ोन फुल कर देगा, जबकि A50 में आपको जो चार्जर देखने को मिलेगा वो 15 वोल्ट का चार्जर देखने को मिलेगा, जो तकरीबन आपका 2 से 2.25 घंटों में फ़ोन फुल कर देगा। दोनों फ़ोन काफ़ी तरीके से अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइज है, वेल परफॉर्म करते हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी दिन भर बैटरी यूज़ करने में, आराम से इजीली आप बैटरी यूज़ कर सकते हो। दोनों में गेमिंग वगैरह पबजी वगैरह आप इजीली खेल सकते हो। दोनों फ़ोन हीट नहीं करते हैं क्योंकि प्लास्टिक बिल्ड में आते हैं। दोनों फ़ोन की कैमरा क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। सैमसंग में आपको 3 स्लॉट देखने को मिलेंगे, मतलब ट्रिपल स्लॉट आपको देखने को मिलेंगे, साथ ही आपको रियलमी 3 प्रो में आपको ट्रिपल स्लॉट देखने को मिलेंगे। तो ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटीज़ है। अगर कैमरे की बात करें तो यहाँ पर मैं आपको कुछ फ़ोटोज़ आपको दिखा देता हूँ, फिर आप डिसाइड कीजिए कि कौन सा फ़ोन ज़्यादा बेटर है। पर यहाँ पर मुझे लगा कि रियलमी 3 प्रो भी काफ़ी अच्छी टक्कर दे रहा है इसको, अगर आप कंपेयर करते हो इसके साथ में तो काफ़ी अच्छी टक्कर इसको दे पा रहा है। यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ यहाँ पे मैंने ली है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि पानी की बूंदी भी अगर आप इसमें देख पा रहे हो वो भी आपको दिखाई दे रही है। तो ये वीडियोस काफ़ी अच्छी लगी, मतलब कैमरा क्वालिटी दोनों फ़ोन की काफ़ी अच्छी है अगर आप कंपेयर करते हो दोनों की अपेक्षा एक दूसरे से।
तो दोनों फ़ोन की कैमरा क्वालिटी अच्छी है, बट एक्चुअली जो कलर्स आ रहे हैं वो सैमसंग की जगह यहाँ पे अगर आप देखते हो इसको रियलमी 3 प्रो को, तो उसमें ज़्यादा अच्छे आ रहे हैं। यहाँ पे थोड़े वॉश्ड आउट कलर है, पर यहाँ पे थोड़ी कलर टोनिंग है वो अच्छी दी गई है रियलमी 3 प्रो में, तो ये काफ़ी अच्छी बात लगी। फोकस भी अगर रियलमी 3 प्रो का देखोगे तो आप रियलमी 3 प्रो फोकस काफ़ी जल्दी कर लेता है, फोकस करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। सो ओवरऑल अगर आपको फ़ोन चाहिए जो कि एक ब्रांड के साथ आता है तो आप सैमसंग के साथ में आ सकते हो, पर यू शुड ट्राई रियलमी 3 प्रो क्योंकि एक नई कंपनी है बट एक काफ़ी अच्छी चीज़ें दे रही है केवल 14,000 रुपये की कीमत में। और स्नैपड्रैगन 710 प्रोसेसर दिया हुआ जो कि काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है, हालांकि सेल्फीज़ के मामले में आपको मैं कहना चाहूँगा कि A50 ज़्यादा बेटर है, पर फोकसिंग के मामले में यहाँ पर रियलमी 3 प्रो को ही मैं प्लस पॉइंट देना चाहूँगा। सो ओवरऑल दोनों फ़ोन काफ़ी अच्छे हैं, सो ओवरऑल मैं रेकमेंड करता हूँ कि आप रियलमी 3 प्रो के साथ में आइए, क्योंकि वाइड एंगल अगर आपको यूज़ नहीं करना तो रियलमी 3 प्रो अच्छा है, अगर आपको वाइड एंगल यूज़ करना है तो फिर आप सैमसंग A50 के साथ में जा सकते हो। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक द वीडियो, प्लीज़ शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब चैनल।